नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा बिष्ट। आज इमरान खान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बनकर बहुत पछता रहे होंगे। कश्मीर मुद्दे पर दुनिया भर में भद पिटने के बाद इमरान खान ना घर के रहे और ना घाट के। इमरान खान आज उस दिन को कोस रहे होंगे जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। पाकिस्तानी सेना और कठमुल्लों के सहयोग से इमरान खान प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन घर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमरान खान नाकाम हुए हैं। ना तो इमरान खान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संभाल पाए और ना ही पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत दिला पाए। हाल ये है कि कश्मीर मुद्दे पर पश्चिमी देश को तो छोड़िए, मुस्लिम देशों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब पाकिस्तान पर घोर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। सेना और आतंकियों की मदद से इमरान प्रधानमंत्री की कुर्सी तक तो पहुंच गए, लेकिन उसे आज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बनने पर बड़ा अफसोस हो रहा होगा। एक क्रिकेटर के तौर पर इमरान ने तो दबंग छवि बनाई थी, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद गवा दी। क्रिकेटर की पिच पर विरोधियों का होश फाख्ता करने वाले इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद होश उड़े हुए हैं। इमरान खान के प्रधानमंत्री बने अभी एक साल ही हुए हैं, लेकिन इस दौरान उसकी जितनी भद पिटी शायद अभी तक किसी पाक प्रधानमंत्री की नहीं पिटी होगी। क्रिकेट की पिच पर शेर कहलाने वाले इमरान खान राजनीति और कूटनीति की पिच पर चूहा बन गए हैं। घर से लेकर बाहर तक, कश्मीर से बलूचिस्तान तक, धर्म से लेकर ईमान तक, कूटनीति से लेकर आर्थिक नीति तक फंस गया रे इमरान। सेना और आतंकियों की मदद से इमरान प्रधानमंत्री की कुर्सी तक तो पहुंच गए, लेकिन उसे आज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बनने पर बड़ा अफसोस हो रहा होगा। एक क्रिकेटर के तौर पर इमरान ने जो दबंग छवि बनाई थी वो प्रधानमंत्री बनने के बाद गंवा दी है। क्रिकेट की पिच पर विरोधियों का होश फाख्ता करने वाले इमरान के प्रधानमंत्री बनने के बाद होश उड़े हुए हैं। इमरान के प्रधानमंत्री बने अभी एक साल ही हुए हैं, लेकिन इस दौरान उसकी जितनी भद पीटी है शायद अभी तक किसी पाक प्रधानमंत्री की नहीं पीटी होगी। क्रिकेट की पिच पर शेर कहलाने वाले इमरान राजनीति और कूटनीति के पिच पर चूहा बन गए हैं। हाल ये है कि कश्मीर पर मोदी के मास्टर स्ट्रोक से इमरान को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कहें। कश्मीर मामले में दुनिया भर में पाकिस्तान की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद इमरान के लिए पाकिस्तान में रहना जहन्नुम बन गया है। इमरान पर पाक आवाम और विपक्षी पार्टियों का इतना दबाव है कि वो बौखलाए फिर रहे हैं। विपक्ष के नेता बिलावल भुट्टो का तो कहना है कि मोदी के सामने इमरान चूहा बन गए हैं। जब अपोजिशन से लड़ना पड़ता है तो शेर बन जाता है, मोदी के खिलाफ तो चुई नहीं कर सकता, बिल्ली बन जाता है। तो ये अजीब जो कॉन्ट्रडिक्शंस है ये तो समय नजर आ रहे हैं। अगर आप मुल्क का वजीर आजम कहता है कि इंशाल्लाह मोदी इलेक्शन जीतेगा और हम कश्मीर का मसला हल करेगा, मैं इसको सौदाबाजी ना कहूं तो क्या कहूं। हाल ये है कि इमरान की ना तो घर में बेइज्जती बची है और ना ही बाहर। हर मुद्दे पर भारत को आंख दिखाने के बाद पाकिस्तान को घुटने पर आना पड़ रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो अपनी फितरत से बाज आए। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान की पैतराबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने में शर्तें जोड़ता रहा है। भारत के किसी भी शर्तों को मानने से इनकार करने पर आखिर पाकिस्तान को झुकना पड़ा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैटेगोरिकली टोल्ड पाकिस्तान दैट दे वायलेटेड ह्यूमन राइट्स ऑफ कुलभूषण बाय नॉट ग्रांटिंग हिम काउंसलर एक्सेस। 16 रिक्वेस्ट ऑफ आज वर टर्न डाउन इवन आफ्टर इट्स डायरेक्शन टू पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज बीन पुसी फुटिंग सो फार एंड टुडे दे ऑफर्ड काउंसलर एक्सेस। Last time they had offered the same access with conditions which India had rejected. भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान भले ही काउंसलर एक्सेस का दिखावा कर रहा है, लेकिन उसकी साजिशें लगातार जारी हैं। जनता का आशीर्वाद है, उनके माता पिता का और दोस्तों का, जो अभी उनको वापस भारत में कब आते हैं ये इंतजार है। तो मुझे यही लगता है कि
कुलभूषण जाधव जी अगर पाकिस्तान के साथ भारत सरकार ऐसे कड़ा रवैया अपनाएगी तो जल्द से जल्द भारत लौट आएंगे। पाकिस्तान ने काउंसिलर एक्सेस देने के लिए राजी हुआ था, लेकिन उन्होंने बहुत सारी शर्तें भी रखी थी, लेकिन अभी इस बार भी अगर ऐसी कोई शर्ती रहेगी तो मुझे विश्वास है अपने प्राइम मिनिस्टर पे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर है क्योंकि बलूचिस्तान में जो आजकल हुआ हो रहा है, पाकिस्तान का उन पे जो दबाव आ रहा है, तो और ये कश्मीर का जो हाल हुआ है अभी, तो थोड़ा सा डर है कि कुलभूषण जाधव जी के साथ कोई जाति नहीं की जाए। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं जिसे पाकिस्तान अपनी छोटी सोच नहीं दिखाता। दुनिया भर में पाकिस्तान की छवि एक असफल राष्ट्र की बनती जा रही है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश के तौर पर पहले ही दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। अब दुनिया ये भी देख रही है कि वहाँ किस तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरने की इमरान की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। दुनिया के तमाम इस्लामी देशों ने कश्मीर मामले पर पाकिस्तान से किनारा कर लिया है। ऐसे में अब इमरान ने पाकिस्तान में सभी धर्मों के लोगों का जबरन इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराकर दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी राष्ट्र बनने का जुनून पाल लिया है। आज पाकिस्तान में गैर मुस्लिम लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल चल रहा है। भारत को मानवाधिकार उल्लंघन के लिए नसीहतें दे रहे पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के मानवाधिकारों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। हाल ये है कि उन्हें अपने धर्म के पालन की आज़ादी भी नहीं मिल रही है। कश्मीर मामले में मानवाधिकार हनन का रोना रोने वाले पाकिस्तान की हकीकत अब दुनिया ने देख ली है कि किस तरह से वहाँ जबरदस्ती दूसरे धर्म की लड़कियों को इस्लाम कबूल कराया जा रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के साथ अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन एक सिख लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। जो कल लड़की अवा गई थी वो मेरी सिस्टर है जगजीत कौर, उसको कल जबरदस्ती अवा की थी, उसको धमकियां दी थी, अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो आपके पापा और आपके भाई को दोनों को गोली मार दूंगा। कल उसको जबरदस्ती इस्लाम भी कबूल कर दिया। तो मेरा इमरान खान से चीफ आर्मी कमर जावेद बाजवा से अपील है कि हमारी मदद करें, वापस लेके आए, ठीक है। तो कल ऐसा ना हो कि कल कॉरिडोर पे या कश्मीरी पे इस तरह कोई बात आ जाए। कल रात को हमारे परिवार के साथ एक बहुत दर्दनाक वाक्य हुआ है। कुछ गुंडे रात को हमारे घर पे आए, उन्होंने हमारी छोटी बहन को घसीट के ले गए और उनको ज़बरदस्ती टॉर्चर करके इस्लाम कबूल करवाया। सुबह में हम थाने चले गए और हमने FIR कटवाया, SHO के पास चले गए, DCO के पास, पर किसी ने हमें इंसाफ नहीं दिलाया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद जब हम वापस घर आए तो कुछ देर पहले वही लोग दोबारा आए और उन्होंने हमें धमकी दी, अगर आप लोगों ने FIR वापस ना लिया तो आप लोगों को भी मुसलमान होना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने यहाँ रहना है तो। मेरी PM इमरान खान और चीफ जस्टिस से अपील है, गुजारिश है कि वो हमें इंसाफ करें। और अब एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। पाकिस्तान के सिंध में अब एक हिंदू लड़की को अगवा कर जबरन उसकी शादी मुस्लिम पुरुष के साथ कराई गई है। पिछले एक हफ्ते में ऐसा ये दूसरा मामला है। ये मामला पाकिस्तान के सिंध हिस्से का है जहां पर BBA में पढ़ने वाली एक हिंदू लड़की को 29 अगस्त को अगवा कर लिया गया था। लड़की के पिता की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के मुताबिक लड़की के साथ उसकी क्लास में पढ़ने वाले बाबर अमन और उसके साथी मिर्जा दिलावर बेग ने उसे अगवा कर लिया। मिर्जा दिलावर बेग पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी का सदस्य है जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी है। आरोप है कि लड़की को PTI कार्यकर्ता के घर पर ही ले जाया गया है जो कि सियालकोट में है। वहां पर उसे जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया और उसकी शादी बाबर अमन के साथ करवा दी गई। प्रधानमंत्री बनने के वक्त इमरान ने सभी धर्मों को अपने धर्म पालन की आज़ादी की बात कही थी और जबरन धर्म परिवर्तन को इस्लाम में हराम बताया था, लेकिन भारत के साथ तनाव बढ़ने के बाद इमरान लाखों कोशिशों के बावजूद भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अब पाकिस्तान में बसे हिंदुओं और सिखों को जबरन मुसलमान बनाकर अपनी खीज निकाल रहे हैं। पाकिस्तान में जैसे आपने देखा है कि तकरीबन हफ्ता हो गया, एक लड़की जगजीत कौर जिसको अगवा करके उसका धर्म परिवर्तन करके उसका निकाह करा दिया गया। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, कभी रीना रवीना करके दो बहनें जो मार्च 2019 में उठाई गई थी, अब एक और लड़की
जो हिंदू समाज की है, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एक सिस्टमेटिकली माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, मैं ये समझता हूँ। और फिर वो ग्रंथी साहब की बेटी हो ननकाना साहब में, मैं समझता हूँ कि इस तरीके की जो हरकत है, इमरान सरकार को हमने अल्टीमेटम 2 दिन का दिया था कि बच्ची को उनके पेरेंट्स के पास वापस भेजा जाए, वो नहीं हुआ। मैं बीबी जविंदर कौर खालसा और इंटरनेशनल सिख काउंसिल की प्रेसिडेंट, और सिख होने के नाते मैं अपनी मांग रखती हूं सरकारों के सामने, कानून के सामने, कि हमारी जो सिख बच्ची को अगवा करके धर्म परिवर्तित किया गया, हम इसके लिए अपनी बुलंद आवाज को बंद नहीं करेंगे जब तक ये लड़की वापस नहीं आ जाए। हमें न्याय नहीं मिल जाता। हम इस लड़ाई को बिल्कुल भी धीमा नहीं होने देंगे। हम उस मुकाम तक जाएंगे जब तक वो लड़की वापस न आ जाए। पाकिस्तान में संगठित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है और इसमें पाकिस्तान के बड़े मस्जिदों के मौलवी और स्थानीय नेता शामिल हैं। हमारे लिए ये जो शर्मनाक बातें हैं, तो हम चेतावनी भी देना चाहते हैं पाकिस्तान में जो ऐसे लोग हैं उनको नथ डाली जाए, और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से हम निपटेंगे। इस पूरे मामले में आरोपियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन इमरान को नहीं पता कि वो ऐसा कर अपनी ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये वो दांव है, इसमें खुद इमरान फंसने वाले हैं। इन वाक्यों से दुनिया को पता चल रहा है कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर कैसे घिनौना खेल खेल रहा है। इस्लाम के नाम पर जिहाद की बात करने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए सिर दर्द बन गया है। पाकिस्तान में दूसरे धर्मों के लोगों के लिए रहना सुरक्षित नहीं, तो वहीं आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान खुद ही बर्बादी की राह पर चल निकला है। आतंकियों, कट्टर सोच वाले मौलवियों और सेना के कठपुतली प्रधानमंत्री इमरान के लिए अब इस दलदल से निकलना आसान नहीं है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि बुरे फंसे इमरान। ब्यूरो रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम देश का तमगा लेकर घूम रहे पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। संयुक्त राष्ट्र में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक लंबी बहस के बाद कई देशों ने धार्मिक स्वतंत्रता पर चीन और पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई और स्थितियों में सुधार की जरूरत बताई। कि वही पाकिस्तान है जो कश्मीर के मुद्दे पर भारत को मानवाधिकारों पर नसीहत देता फिर रहा है। वही पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ उठाने वालों को सरकारी यातना का शिकार होना पड़ता है। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने भारत को घेरने की भरसक कोशिश की, मानवाधिकार का मुद्दा उठाया, चीन की मदद से संयुक्त राष्ट्र तक मामले को लेकर भी गया। इमरान खान ने कश्मीर मुद्दे को धार्मिक और नस्लीय भेदभाव के रंग में भी रंगने का प्रयास किया और विश्व समुदाय से हस्तक्षेप की गुहार भी लगाई। पाकिस्तान ने ये तक कह दिया कि भारत मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है। हालांकि इस बात को लेकर झूठ का पुलिंदा बांध रहे पाकिस्तान और उसके दोस्त चीन खुद ही संयुक्त राष्ट्र में घिर गए। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत संयुक्त राष्ट्र में कई देशों ने चीन और पाकिस्तान पर धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया और उन्हें अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए आगाह भी किया। संयुक्त राष्ट्र में धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा मसलों पर आयोजित बैठक में कहा गया कि पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों समेत ईसाई और हिंदुओं की स्थिति काफी भयावह है। उन्हें समाज में हाशिए पर ढकेल दिया गया है और उनके अधिकारों का दमन किया जा रहा है। इसके साथ ही चीन को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ड्रैगन उइगर मुसलमानों की धार्मिक आवाज को दबा रहा है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और फ्रांस के साथ साथ कई देशों ने पाकिस्तान और चीन से कहा कि वो ये तय करें कि उनके देश में अल्पसंख्यकों को उनकी धार्मिक आजादी का अधिकार मिले। वहीं दुनिया भर के देशों से संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने अपील की है कि धार्मिक नफरत खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। समाज के हर वर्ग और नस्ल के खिलाफ घृणा और उत्पीड़न की भावना को खत्म किया जाना चाहिए। एंटोनियो गुतरेस ने यह भी कहा है कि यहूदियों की हत्या कर दी गई थी और मस्जिदों में मुस्लिमों को मारा जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, वहीं ईसाइयों को मारा जा रहा है और उनके चर्चों में भी आग लगाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। सेना के सहयोग से प्रधानमंत्री बनने की इमरान खान को खूब कीमत चुकानी पड़ रही है। आज इमरान कंगाल पाकिस्तान की आवाम को 2 जून की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। इमरान हाथों में कटोरा लिए कर्ज की खातिर दुनिया भर में घूम रहे हैं। इमरान के लिए अपने दफ्तर के बिजली बिल भरना भी मुश्किल हो रहा है।
लेकिन पाकिस्तानी सेना के पास पैसों की कोई कमी नहीं। कंगाल पाकिस्तान में उसकी सेना मालामाल है और जमकर ऐश कर रही है। इमरान पस्त, पाक सेना मस्त। बिजली बिल तक चुकाने को मोहताज है इमरान। लेकिन पाक सेना कर रही है मौज। प्रधानमंत्री बनकर फंस गए इमरान। इमरान खान को कांटों का ताज मिला है और भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देना उनकी मजबूरी बन गई है। सेना की कठपुतली इमरान जब भारत को जंग की धमकी देते हैं तो उन्हें भी खुद पर हंसी आती होगी, लेकिन मजबूरी है। रोटी के लिए तरस रही पाक आवाम का ध्यान हटाने के लिए जंग के लिए तलवार निकालनी ही पड़ी। लेकिन इमरान जंग जंग चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनकी सेना मौज कर रही है। जंग की गिदड़ भभकी दे रहे पाकिस्तान पर कुल 35.094 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी 105 अरब डॉलर का कर्ज और देनदारी है। इमरान खान की सरकार जहां कर्ज के संकट से जूझ रही है, वहीं पाकिस्तान की बाजवा सेना दिल खोलकर पैसे खर्च कर रही है। भारत के साथ परमाणु जंग की धमकी दे रहे पाकिस्तान को एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ रहा है। नया पाकिस्तान बनाने का वादा करके सत्ता में इमरान खान को कर्ज के लिए अपने आका चीन, सऊदी अरब, तुर्की समेत आईएमएफ की दौड़ लगानी पड़ रही है। आलम ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के पास बिजली का बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं है। एक तरफ कर्ज के बोझ के तले दबे इमरान के पास पैसे नहीं है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना भारत का खौफ दिखाकर अपने देश के संसाधनों को दीमक की तरह से चाट रही है। यही नहीं, पाकिस्तानी जनरल विदेशों में ऐश कर रहे हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने अंतर्राष्ट्रीय संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान को 3 साल के लिए 6 अरब डॉलर के कर्ज की मंजूरी दी है। ये कर्ज पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और लोगों की जीवन दशा को सुधारने के मकसद से मंजूर किया गया है। पिछले 22 साल में पाकिस्तान 30 से ज्यादा बार आईएमएफ के पास कर्ज की भीख मांगने के लिए जा चुका है। इस साल मार्च तक पाकिस्तान पर कुल 35.094 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी 105 अरब डॉलर का कर्ज और देनदारी थी। वहीं पाकिस्तान के पास मात्र 15 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा है। पाकिस्तान का ये कर्ज सुपरसोनिक रफ्तार से लगातार बढ़ रहा है। सरकार के पास पैसे के संकट की हालत ये है कि इमरान खान के पास अपने सचिवालय का बिजली बिल चुकाने के लिए जरूरी 41,13,992 रुपए नहीं है। पाकिस्तान सरकार जहां कर्ज के गंभीर संकट से जूझ रही है, वहीं पाकिस्तानी सेना के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना के लिए हर साल बजट भी बढ़ाया जा रहा है। यह तब है जब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में 150वें नंबर पर आता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान की इस आर्थिक बदहाली की जिम्मेदारी वहां की सेना है। विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान कुल वार्षिक बजट का करीब 20% हिस्सा सेना को जाता है। इसके बाद भी वह लगातार हर साल पैसे बढ़ाने की मांग करती है। पाकिस्तान का रक्षा बजट 1,13,77,110 लाख रुपए है, जबकि जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान का रक्षा बजट सरकारी घोषणा से कहीं ज्यादा है। सेना के इस बजट पर न तो पाकिस्तान की संसद में चर्चा होती है और न ही खर्चों का ऑडिट किया जाता है। पाकिस्तानी सेना हमेशा भारत का खौफ दिखाकर अपना पैसा बढ़ाती रहती है। रक्षा बजट के विपरीत पाकिस्तान शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरी सेवाओं पर अपने बजट का औसतन मात्र 5% खर्च करता है। आपको जानकर हैरत होगी कि भारत के साथ हर वक्त जंग की बात करने वाली पाकिस्तानी सेना कई तरह के बिजनेस चलाती है। पाकिस्तानी सेना 50 से ज्यादा व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाती है। पाकिस्तान अक्सर भारत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से हमले करती रहती है, लेकिन वो अपनी जनता को यही बताती है
कि वह भारत का जवाब दे रही है। आज पाकिस्तान की सेना सुरक्षा के साथ साथ मीट, गैस, खाद, बैंक, पावर समेत 50 से ज्यादा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चलाती है। सेना का मुख्य बिजनेस हथियार है। सेना के फौजी फाउंडेशन ने वर्ष 2011 से 2015 के बीच 78% की ग्रोथ हासिल की है। फौजी फाउंडेशन की वार्षिक आय $1.5 अरब है। सेना समर्थित संगठनों का रियल इस्टेट, फूड और संचार उद्योग में हिस्सा है। पाकिस्तान सेना की अब तेल के उत्खनन और खनन उद्योग में पांव पसार रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक सेना के समर्थन से सत्ता में आए इमरान खान के कार्यकाल में पाकिस्तानी सेना का बिजनेस और कमाई ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान की सेना अपने साम्राज्य में किसी भी प्रकार की कमी करने पर सरकार से नाराज हो जाती है और परवेज मुशर्रफ की तरह सत्ता पलट भी कर देती है। वर्तमान पाक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा पर्दे के पीछे से इमरान सरकार पर पूरी पकड़ बनाए हुए हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना प्रमुखों को रिटायर होने पर कई एकड़ में फैले घर दिए जाते हैं। इन घरों में ऐशो आराम की सारी सुविधाएं रहती हैं। पूर्व सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ तो अपना ज्यादातर समय सऊदी अरब और अमेरिका में बिताते हैं। वहीं एक सेना प्रमुख अशफाक परवेज कियानी रिटायर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में एक आलीशान घर में जीवन बिता रहे हैं। एक ओर आज पाकिस्तान कंगाल है, वहीं की जनता अपनी 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने में भी नाकाम हो रही है। संसद में रोटी और नान के दाम तय हो रहे हैं, वहीं वहां की सेना ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। कठपुतली इमरान के आने के बाद से तो पाक सेना की मौज और भी बढ़ गई है। अब देखना है कि इस कांटे की ताज को इमरान कब तक पहन पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट है, बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।